हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके साथ ग्रामर में एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। लेसन नंबर 8, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कैसे कंपेयर किया जाता है एडजेक्टिव्स को, उनकी डिग्रीज को हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज टू शो कंपेरिजन बिटवीन नाउन। एडजेक्टिव का यूज हम कई बार तब भी करते हैं जब हमें कंपेरिजन करना हो किन्हीं दो नाउन्स के बीच में या उससे ज्यादा नाउन्स के बीच में। तो टोटल 3 डिग्रीज होती है हमारी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। कितनी होती है? 3 डिग्रीज होती है तीनों के नाम, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। इन तीनों डिग्री के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका क्या यूज होता है, क्या ये हमें बताती है। सो योर फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। ये सबसे सिंपल फॉर्म है एडजेक्टिव की। इट इज यूज वेन नो कंपेरिजन इज बिंग मेड। ये डिग्री तब यूज होती है जब कोई कंपेरिजन ही नहीं हो रहा हो, कोई कंपेरिजन ना हो रहा हो। जैसे विकास इज अ स्ट्रांग बॉय, हमने उसकी क्वालिटी बताई है। विकास कैसा लड़का है? स्ट्रांग बॉय है। राम इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राम कैसा पर्सन है? रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो वर्ड है स्ट्रांग एंड रिस्पॉन्सिबल, बोथ वर्ड्स का आर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पे किसी से हम कंपेयर नहीं कर रहे, उनकी क्वालिटी हम बस ये बता रहे हैं। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जहां पे कंपैरिजन ना हो रहा हो, किसी के साथ भी कंपेयर ना किया जा रहा हो। ना कंपैरेटिव डिग्री, इसके तो नेम में कंपेयर आ रहा है, कंपैरिजन करना। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन टू पीपल और थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड। कंपैरेटिव डिग्री तब यूज होती है जब दो पर्सन या दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा हो। इसके अंदर वी एड ईआर टू मोस्ट पॉजिटिव डिग्री टू फॉर्म कंपेरेटिव डिग्री। हम ईआर एड कर देते हैं, आफ्टर दैट वी यूज देन। उसके बाद हम देन यूज करते हैं। आफ्टर दैट वी यूज देन टू शो कंपेरिजन। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? देन, ताकि हम उससे हम शो करते हैं कि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, रोहन इज शॉर्टर देन श्याम। रोहन क्या है? शॉर्ट है। किसके कंपैरिजन? श्याम की। आई एम क्लेवरर देन यू, मैं तुम्हारे काम में मैं क्लेवर हूं, तो इन कंपैरिजन टू यू। तो दोनों ही सेंटेंस में दो दो जनों से कंपेयर किया जा रहा है। टू सेट्स ऑफ पीपल आर कंपेयर। जैसे यहाँ पे रोहन एंड श्याम, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। यहाँ पे आई एंड यू, मेरे और तुम्हारे बीच, मैं और सेकेंड पर्सन जो है उसके बीच। तो इन इनके अंदर जो एडजेक्टिव यूज किया गया है, शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, ये जितने में ईआर आ जा रहे हैं ना, जैसे क्लेवरर, ये कंपेरेटिव डिग्री होते हैं एडजेक्टिव्स के। नाउ योर थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री इज बीइंग यूज्ड व्हेन मोर देन टू नाउन्स आर बीइंग कंपेयर्ड। वी एड ईएसटी टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टू फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री। After that we add the for emphasis. इसमें superlative degree वो होती है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा के साथ compare कर रहे हो, और इसमें हम last में est लगाते हैं degree के, और साथ ही साथ उसके साथ हम the add कर देते हैं। जैसे राकेश is the tallest boy in our class, पूरी class से compare कर दिया, तो tall का tallest est लग जाएगा। He is the cleverest boy in the class. सबसे cleverest boy है पूरी क्लास में, तो सबसे कंपेयर कर दिया। जब दो से ज्यादा से कंपेयर किया जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आता है। एंड साथ ही साथ जो मेन नाउन होती है, जो भी वर्ड होता है उसमें हम, जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें हम ईएसटी एड कर देते हैं। वी डू नॉट, यहाँ पे रिमेम्बर वाला पॉइंट देखेंगे, वी डू नॉट यूज देन आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। हम देन नहीं यू लगाते सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे कि कंपेरेटिव डिग्री में हमने देन लगाया था ना, बट सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लगाते। यहाँ पे हम द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द। यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज के। जैसे ईआर तो कंपेरेटिव में ऐड करते हैं और ईएसटी सुपरलेटिव में। वार्म का वार्मर, वार्मेस्ट। Strong, stronger, strongest. Tall, taller, tallest. Thick, thicker, thickest. ऐसे इसका सेकेंड पॉइंट देखिए,
इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन ईयर, अगर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव के लास्ट में ई आ रहा है, आर आ रहा है, तो लास्ट में अगर ई आ रहा है तो हम सिर्फ आर लगाते हैं. क्या लगाते हैं? आर ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में एस टी ऐड करते हैं, क्योंकि ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम दोबारा ऐड नहीं करेंगे. सिंपल का सिंपलर सिंपलेस्ट, नाइस का नाइसर नाइसेस्ट, एबल का एबलर एबलेस्ट, वाइज का वाइजर वाइजेस्ट. इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट नॉट इन दिस वीडियो. वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में. मेरे आप जो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी इस लेसन की, उसमें आपको मैं बताऊंगी इसके कुछ और भी रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. एंड साथ ही साथ हम उस वीडियो में बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. आई होप जितना मैंने आपको आज बताया है, समझाया है, उतना आपको समझ आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड इससे पहले क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.